हे वो सब पीपल, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी। एंड इन दिस वीडियो कुछ ऐसे एसेंशियल ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे जो मेन ऐप है इसमें, जो आप थंबनेल देख के आए हैं कि यहाँ पे मैं आपको क्लियर बेस फीचर जो आपको सोनी के डिवाइसेस में मिलता था और आपने XDA फोरम पे भी देखा हो या कहीं भी देखा हो, बिना रूट के आप अपने डिवाइस में उस चीज़ को यूज़ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन इस बार इसको आप ऑफिशियल ऐप के थ्रू यूज़ कर पाएंगे और यहाँ पे कोई वारंटी वॉइड होना या कुछ भी कोई झमेला ही नहीं है, बिल्कुल ईजिली आप यूज़ कर पाएंगे। और साथ ही साथ तीन और मेन ऐप मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जिससे आपके डिवाइस में चार चांद लग जाएंगे। और क्लियर बेस के बाद साउंड हो गई है ऐसी, DJ बजे खतौली सुने भैसी। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो बांधो सीट बेल्ट और चक दो फटे। सो आप में से जो लोग सोनी का डिवाइस यूज कर चुके हैं या किसी के डिवाइस में आपने देखा हो और उसने बताया हो आपको कि सोनी के डिवाइसेस में आपको मिलता है क्लियर बेस ऑप्शन और उसके बाद जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो इतनी अप कर जाती है कि मतलब क्या ही कहने। सोनी का सबको पता है कि ऑडियो क्वालिटी के मामले में सबसे आगे है, उससे आगे कोई है ही नहीं। तो उसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता था इसके सोनी के इक्वलाइजर को, और ये इक्वलाइजर आपको बिना रूट किए किसी डिवाइस में इंस्टॉल कर ही नहीं पाते थे और ज़्यादातर रूट करने के बाद भी आप फेल हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोवाइड करूँगा जो ऑफिशियल सोनी की तरफ से ही आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं ऐप के इंटरफेस पर। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं यहाँ पे दिस मोबाइल लिखा आता है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको माई लाइब्रेरी, प्ले म्यूजिक, यूट्यूब, तो यहाँ पे आप ऐप्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप गाना ऐप यूज़ करते हैं, जो भी ऐप यूज़ करते हैं आप सबकी सब यहाँ पे ऐड करके वही इक्वलाइजर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे मिलती है आपको सेटिंग्स, सेटिंग्स में आपको साउंड एंड प्लेबैक मिल जाता है और पूरा का पूरा खेल यहीं पे ख़त्म, क्योंकि आपको यहाँ पे क्रॉस फेड प्लेबैक, इसका मतलब ये है कि जैसे एक गाने से दूसरे में स्विच होता है तो वो ओवरलैप कर जाता है, तो मतलब एक गज़ब का फील आता है। उसके बाद इक्वलाइजर, यही तो चाहिए था अपने को, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर इक्वलाइजर मिल जाता है और साथ ही साथ क्लियर बेस फीचर मिल जाता है। एक बार आप यूज़ करोगे फिर कभी भी कोई दूसरा थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर ही नहीं पाओगे, ये इतना भयंकर काम करता है। उससे नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पे सराउंड VPT, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टूडियो मेरा फेवरेट है क्योंकि जो सराउंड आती है ना यहाँ पे वो एकदम खतरनाक वाली आपको देखने को मिलती है, और डायनामिक नॉर्मलाइजर तो ये साउंड सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है, तो ये भी एकदम बेस्ट फीचर है। लेकिन अगर फिर भी आपका कभी मन करता है कि नहीं यार अभी थोड़ा बंद करो नॉर्मली सुनते हैं, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट सोर्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये ऐप आपको बिल्कुल बाउंड नहीं करता और पूरा एक्सपीरिया वाला फील आपके डिवाइस पे मिलेगा। आप लिटरली मेरे से कमेंट सेक्शन में कहने वाला हो कि ट्रू टेकी क्या बता दिया, और वीडियो एकदम बेहतरीन चालनी, सब्सक्राइब मारो और बजा दो टाली। तो जो सेकंड ऐप मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एल्बम ऐप। तो पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन इस बार अपडेटेड ऐप है, तो आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है नए डिवाइसेज में कि आपको फोटोज़ जो व्हाट्सएप पे मिलते हैं या कोई नई वीडियोज़ फोटो डाउनलोड करते हैं वो आपको मिलते ही नहीं है, क्योंकि फोटोज़ जो गूगल का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और साथ ही साथ जो स्टॉक ऐप्स आ रही है किसी भी कंपनी की तरफ से, चाहे वो मी की हो, आसूस की हो, वहाँ पे भी आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो टाइम के अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिलता है, चाहे वो फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, आपको ढूंढने की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मिलती, और साथ ही साथ आप इनको जूम इन जूम आउट यहीं कहीं कर सकते हैं, और अगर आप जाते हैं 3 बार वाले पॉइंट पर तो यहाँ पे आपको फोल्डर प्लेसेस ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। थर्ड ऐप है वीडियो के लिए, तो ये भी सोनी का ऑफिशियल ऐप है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों ऐप के मैंने आपको लिंक दिए हैं, यहाँ पे आपको सेपरेटली वीडियोस आपकी देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पे जिस भी वीडियो को आप प्ले करना चाहे डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। और जो फोर्थ ऐप है वो है उन लोगों के लिए जो ड्राइंग यूज़ करते हैं या फिर फोटोज़ को एडिट करते हैं, स्केच करते हैं, तो ऐप का नाम है स्केच, यहाँ पे जाके आप एडिटिंग की कला अपनी दिखा सकते हैं। तो वैसे तो ये वीडियो था प्रॉपरली म्यूजिक ऐप के लिए, यानी कि आपको चाहिए था जो क्लियर बेस फीचर, लेकिन फिर भी मैंने एडिशनली आपको 3-4 ऐप बता दी जिससे आपके फ़ोन में चार चांद लग जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मैंने कर दो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।